हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं राज सिंह आप सभी भाइयों का आरएस मंत्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैं पाउच पैकेजिंग मशीन और स्टूडर वगैरह सबका वीडियो डाल चुका हूं, आज एक वीडियो डाल रहा हूं जो नाइट्रोजन प्लांट जो होता है ना, उसको आप अपने यहाँ पर किस तरीके से जो अपनी मशीन है पाउच पैकेजिंग मशीन उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से कंप्रेसर से पाइप निकल के और इस नाइट्रोजन प्लांट में जाता है, कहाँ कहाँ से एयर होके फिर आपके पास ये सीधा मशीन में एयर फेंकता है। तो सबसे पहले देखिए, ये है कंप्रेसर का पाइप, यहाँ तो दो कंप्रेसर हैं, तो दोनों का पाइप ये टी लगा के और सीधा ये एक पाइप बना दिया गया है। तो ये इस साइड दिखाओ, दूसरी दिखाओ, ये देखिए ये जो पाइप है ना, ये जो सिलेंडर होता है इसके अंदर लगाया जाता है। सबसे पहले अगर एक आपके पास कंप्रेसर है तो एक ही पाइप इसमें लगाइए, दूसरे वाले में उसमें नहीं। वो ये होता है इन और ये होता है आउट, दिखाइए इधर दिखाओ, देखिए ये हो गया इन, इसमें कंप्रेसर का पाइप सबसे पहले लगाएंगे और यहाँ से ये फिल्टर करके एयर को और यहाँ से आउटपुट निकालता है जो कि अपनी मशीन में जाता है ये सीधा। और इसमें देखिए ये क्या है, ये देखिए ये वाल लगा हुआ है, तीन वाल लगे रहते हैं, एक दो और ये तीन, इसी के द्वारा इसके अंदर एयर जाके और फिल्टर होके वो आती है। तो जैसे कि आपने ये कंप्रेसर का पाइप कनेक्ट कर दिया इधर, और इसके बाद में ये मीटर होता है इसका, देखिए इसके अंदर इस तरीके से तार लगे हुए रहते हैं, जो भी इसके अंदर ये वाल लगे हुए रहते हैं इसके अंदर ये लिखा हुआ है इसके अंदर, वो तो आपको करवाना पड़ेगा किसी से, थोड़ा दूर हो गया हूं ना। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, ये देखिए ये एक यहाँ पर दोनों तरफ से कमांड है, ये भी भरता है ये भी भरता है, तो ये प्रेशर होता है, प्रेशर दोनों के अंदर भर जाता है, फिर ये इस साइड को फिल करता है सीधा डायरेक्ट इसमें और यहाँ से ये आउटपुट निकल के तो सीधा ये यहाँ आ जाती है। ये देखिए ये यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा ही वीडियो और बनाता रहूंगा मैं, तो देखते रहिए आरएस मंत्री यूट्यूब चैनल। नमस्कार।